नमस्कार, आप देख रहे हैं कंचन टीवी। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 23 तारीख है और आज 23 तारीख का जो क्या खास दिन है, 23 तारीख जो है शहीदी दिवस के रूप में जो है मनाया जा रहा है पूरे भारत के अंदर। और ऐसे ही जो यहाँ पे गौ रक्षा दल के जो अजय महाला जी हैं वो जो है उनके नेतृत्व में जो है आज एक कैंडल मार्च जो है वो निकाला गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कैमरामैन को चाहूँगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएँ थोड़ा सा नज़दीक जा करके। ये देखिए आप तस्वीरों में आप साफ देख सकते हो कि जो गौ रक्षा दल की जो टीम है पूरी की पूरी यहाँ पे मौजूद है और वो एक कैंडल मार्च के रूप में जो है उन्होंने यहाँ पे यात्रा निकाली है। और इसमें हम मौजूद हैं महाराजा अग्रसेन चौक पर, पुराना बस स्टैंड महाराजा अग्रसेन चौक पर। नमस्कार सर। कंचन टीवी सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी का आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में करते हैं गौ सेवा दल सफीदो जी। आज 23 मार्च का दिन जो है गौ सेवा दल सफीदो आजादी युवा संगठन सफीदो द्वारा शहीदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए संगठन ने मिलकर के आज एक कैंडल मार्च का आयोजन किया है और उस सभी साथियों को बुला करके आज शहर के पुराना बस स्टैंड अग्रसेन चौक पर कैंडल मार्च करके अपने शहीदों को याद करने का कार्य आज किया गया है। और इन संगठन का यही एक उद्देश्य है कि युवा पीढ़ियों में सदैव ऐसी भावनाएं बढ़ती चली जाएं जिनकी बदौलत आज हम ये दिन देख पाए हैं। मेरा नाम कुलदीप राणा है जी। कुलदीप राणा जी आज क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, जो भगत सिंह जी की जो है जो नीतियाँ हैं उस नीतियों पे चलना चाहिए और जो हमारे युवा हैं, जो युवा साथी हैं जो आजकल नशे के उसमें जा रहे हैं, तो मेरा यही संदेश है वो उनसे निकले, नशे के उसमें से निकले और जो उनकी विचारधाराएं हैं भगत सिंह जी की हैं तो उसके ऊपर उनको अपनाएं। और हम और हमारे साथ अजय महाला जी जुड़ सके हैं। सर कंचन टीवी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज हमारे वीर शहीदों को आवाज़ ऊपर उठाने के लिए आप यहाँ आए। और हम कभी भी अपने जो शहीद हुए हमारे वीर जवान इनको कभी ना भूलने देंगे। हर साल इसी तरह कैंडल मार्च निकाला जाएगा ताकि नए जो युवा बच्चे हैं उनमें नया नया क्रांतिकारियों का जोश भरा जाए। अब ऐसे ही आए साल ऐसे काम करते रहेंगे और आजादी युवा संगठन गौ सेवा दल टीम जो कार्यक्रम करती है रण मिलकर करती है समाज सेवा भी गौ सेवा भी, ठीक है, हम ऐसे ही वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते रहेंगे। तो कैसे है, वैसे गौ माता का आशीर्वाद है और जैसे कि क्रांतिकारियों ने एक देश आज़ाद करवाने के लिए जो देश आज़ाद करवाया क्यों ना हमारा ही फर्ज बनता है ताकि जो युवा बच्चा नशे खिलाफ नशे की तरफ जाता है उसको नशा छुड़वाने का काम करते हैं और उसमें देश हित की भावना जगाते हैं। और गौ सेवा तो देखो जी एक गौ माता का आशीर्वाद है और ऐसे ही सेवा कर चाहता हूँ कि सभी भाई मिलकर गौ माता की सेवा करें। बस कहना था कि जो नवयुवक हैं जो नशे की ओर जो चले गए हैं वो अपना देशभक्ति का जज्बा अपने अंदर बनाएं और जो है बढ़ चढ़ कर भाग लें इसमें। तो आप ये सीधी जो तस्वीरें देख रहे हैं पुराना बस स्टैंड से, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।